हरिश्चंद्र वंश राय की कोई भी जो कविता वगैरह है जो जिस प्रकार से
दिखा सकते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के दृश्य से संबंधित आप कुछ आपको दिखा सकते हैं। तो एक तो जो उनको डाउट है उनके मन में, जो वो किताबों के अंतर्गत पढ़कर सीखते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था किस किस प्रकार से हुआ था, और वो जिस प्रकार से वो पढ़ते पर देखेंगे सारी की सारी चीज़ें और खुद से सुनेंगे डायलॉग्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें, इसमें अच्छा इस प्रकार की वार्तालाप भी हुई थी, अच्छा इस प्रकार की संध्या भी हुई थी, तो उनके अंतर्गत चीज़ें और अधिक गहराई में बस जाएंगी, वो एक छाप छोड़ देंगी। फिर अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा इसके बाद में ऐसा हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था, इसके बाद में कौन सी विषय उसको आई थी वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें। तो जब वह श्रव्य दक्ष सामग्री का उपयोग हम शिक्षण कार्य के लिए करेंगे तो बच्चा सबसे पहले उसको देखेगा, समझेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, और अगर उसके मन में कुछ भी त्रुटि है या प्रश्न है तो उससे सीधा मुझको पूछेगा, और जब हम उसकी जिज्ञासा को शांत कर लेंगे तब वो खुद संतुष्ट होकर बैठेगा और सोचेगा कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है ये हमारा सब्जेक्ट तो, या फिर ये हमारा टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसी प्रकार से श्रव्य दृश्य सामग्री यहाँ पर कार्य करती है एक बच्चे के लिए कि उसके मानसिक लेवल को एक बढ़ाने के लिए वो शिक्षण में रुचि ले सके, अधिगम अच्छे से कर सके, है ना। ये तो जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए तो खैर फायदेमंद है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो लाभदायक जो सबसे ज़्यादा असरदार है ओके वो उन जो जो मंद बुद्धि पालक होते हैं, जो पिछड़े पालक होते हैं, जो जो क्लास में एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, खोए खोए से रहते हैं वगैरह, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, दो तीन बार बताने पर उनको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद से चीज़ें देख लेंगे प्रत्यक्ष रूप के हिसाब से तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, कुछ त्रुटि होगी या कुछ भी प्रश्न होंगे उनके मन में तो शिक्षक से पूछकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहले पहला महत्व है। दूसरा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री बालकों के लिए नवीन पुस्तक होती है, नवीन वस्तु होती है, ठीक है। विद्यालय विद्यालय के सामान्य कार्यकलाप पढ़ना लिखना सुनना आदि से हटकर उन्हें परिवर्तन की सुखद अनुभूति होती है, कार्य में परिवर्तन लाना छात्र की रुचि को जागृत कर देता है और रुचि उनको एकाग्र होकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे सामग्री का कोई सेट लगाएगी तो बच्चे के मन में क्या चीज आएगी, अरे भाई आपसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया पढ़ने को मिलेगा कि आज क्या हो रहा है, ठीक है। वो रोज रोज किताबों से पढ़कर पाठ्य पुस्तकों से पढ़कर थोड़े से बोरियत सी हो जाती है, वो थोड़े से ऊब जाते हैं, शिक्षण में रुचि नहीं ले पाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। इसीलिए उनके अंतर्गत वापस से वो रुचि को और आनंद भरने के लिए हमें श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक जो उनके उनके मस्तिष्क से ऊपर कोई एक जो जो जमाव हो गया है कि भाई पाठ्य पुस्तकें थोड़े से बोरिंग है, हमें समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, क्या करें कैसे पढ़ाई करें, तो श्रव्य दृश्य सामग्री उनका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी यहाँ पर सीधा हो सकती है, क्योंकि वो हेल्प करती है बच्चों को सीखने में जानने में और सारी की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से समझाने में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब एक बार वो श्रव्य दृश्य सामग्री से पढ़ेगा उसकी सारी की सारी चीज़ें जो भी भविष्य उसको समझ जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, तब बच्चा पुनः वापस से खुद से करने की कोशिश करेगा और वो हमेशा इसी इंतजार में रहेगा कि जो भी टफ टॉपिक है उससे संबंधित श्रव्य दृश्य सामग्री कब पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट चीज का जो महत्व है कि श्रव्य दृश्य साधन सरलता से समझ में आ जाते हैं, भाषण द्वारा किसी वस्तु का विवरण या वर्णन समझने के बदले छात्रों को इन साधनों में अधिक रुचि होती है, भाषाओं में रुचि तभी होती है जब उनमें समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है, भाषा का ज्ञान हो या संबंधित विषय में वे पहले ही कुछ ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो भी टॉपिक है वो केवल केवल हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही समझा सकते हैं, होता है भाई सारी की सारी चीज़ें हम श्रव्य दृश्य सामग्री में नहीं डाल सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी विषय वस्तु है उससे पहले का पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना पता है कितना नहीं पता वो हम श्रव्य दृश्य सामग्री से जरूर पता लगा सकते हैं। जब वो बच्चों को विषय वस्तु से पहले ही बच्चे को कुछ हिंट दे दें और श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से उसको थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी दे दें तो उसको पता चल जाएगी कि अच्छा हम आज इससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। जब उसको चीज़ें पहले ही वो पढ़ते रूप से श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अगर चीज़ें देख चुका है तो उसको किताब में पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो आसानी से पढ़ सकेगा, आसानी से लिख सकेगा।
कि हमारा टफ जो भी मेरा जो भारी विषय वस्तु है या भारी प्रकरण है उससे संबंधित हमारे शिक्षक कब संवेदन सामग्री का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की क्लास संवेदन सामग्री का महत्व, जो तीन प्रकार के महत्व मैंने आपको बता दिए, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया।